तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं चंबा में, और यहाँ आने का थोड़ा मकसद ये था कि थोड़ा इमरजेंसी पड़ गई थी तो चंबा में ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। हम रुके भी नहीं, एक स्टॉप भी नहीं मारा था हमने बीच में, वैसे ही उड़ते उड़ते आ गए हैं अभी। तो अभी हम चंबा शब्दी स्वागतम द्वार पर तत्कालीन स्थिति में हम पहुंच चुके हैं चंबा में दोस्तों। यहाँ पे और इधर हॉस्पिटल में था काम। तो वो दोस्तों ये माल रोड चंबा की, और ये चंबा चौक मेन बाजार में, और इसके साथ ही मैं ऐतिहासिक चंबा का चौगान ये वाला सामने वाला अभी बंद है, रहता है ये 4-5 मंथ, फिर उसके बाद खुलता है। ये ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होता है इधर। ओह वाह, ग्रीनरी क्या हो गई देखो एक बार, अल्टीमेट लग रहा है यार। अभी आए हम ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हो, लंच भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो वो खाने। तो खाते हैं पहले नान खाते हैं, इतने टेस्टी नान मिलते हैं यहाँ पर, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस खाना खाने के बाद निकल चुके हैं हम घर की तरफ, और अभी हम पहुंच चुके हैं रखालू में। ये सबसे टफ पॉइंट है वैली को कनेक्ट करता है, जो मतलब रखालू और चंबा के बीच में सबसे ख़तरनाक पॉइंट ये वाला है। पहाड़ों को काट के देखे सड़क बनाई गई है, देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से। और यहीं पर एक मंदिर भी है, रखालू माता मंदिर, ये सामने दर्शन कर लीजिए सभी लोग। जो भी मतलब इधर से गुजरता है आगे पीछे कहीं भी, तो यहाँ रुक के जाता है। हम सुबह रुके थे तो अभी हम नहीं रुकने वाले हैं, तो सीधा निकलेंगे वैली की तरफ। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक पहाड़ है, मतलब काफ़ी टाइम लगा। वो देखिए सामने टावर पे बिजली विभाग के बंदे इतनी हाइट पे, और नीचे तो खड दिख रहा है बिल्कुल, वो देखिए काम कर रहे हैं। मान गए इनकी पावर को यार, ल्यूट है। आजकल बिजली का भी कट रहता है क्योंकि ये काम कर रहे हैं, तो इसीलिए। चलिए अब मिलते हैं सीधा घर में आपको। तो गाइज चंबा से घर भी पहुंच चुके हैं, और वो भी सही सलामत एक बार फिर से। तो अभी जाना है घर, और फिर उसके बाद जाना है मैंने को शादी में, आज भाई की शादी है तो उधर जाना पड़ेगा। आज तो दौड़ा दौड़ी होगी, सुबह से दौड़ रहे हैं लगातार, 1.5 घंटे में चंबा पहुंचे, और 1 घंटा वहाँ काम था वो किया, फिर घर में पहुँच चुके हैं। अभी 5 बज रहे हैं, सोच लो 12 बजे चला था मैं चंबा, और 5 बजे तक रिटर्न घर। वाह वाह वाह।